2500 करोड़ रुपए के चोर को हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में मिलता है, चोर विजय माल्या से कहता, अरुण जेटली से कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूं, अरुण जेटली के हाथ में सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अरुण जेटली फोन उठाकर सीबीआई के किसी अफसर को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के किसी अफसर को, पुलिस के किसी अफसर को फोन नहीं करता। 40 मिनट की मीटिंग होती है, विजय माल्या चला जाता है, खुल के फाइनेंस मिनिस्टर कहता है हां, जाने से पहले 9500 करोड़ रुपए के चोर ने मेरे साथ मीटिंग की, मैं मिला। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, 9500 क्या, 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। मतलब जितना पैसा मनरेगा में कांग्रेस पार्टी ने एक साल के लिए डाला, उतना पैसा नीरव मोदी लेकर भाग गया। प्रधानमंत्री उसे मेहुल भाई, नीरव भाई कहते हैं, और मेहुल भाई की और अरुण जेटली की बेटी का रिश्ता है। लाखों रुपए मेहुल भाई ने आईसीआईसीआई के बैंक अकाउंट, अरुण जेटली के बेटे के बैंक अकाउंट में डाला। फाइनेंस मिनिस्टर की बेटी को मेहुल चौकसी पैसा देता है, 35,000 करोड़ रुपए ले जाता है। नरेंद्र मोदी उसे मेहुल भाई कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं फर्क क्या है। ये लोग नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को, विजय माल्या को भाई कहते हैं। हम वो जो महिला है जिसको जेल में डाला है उसे हम बहन कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें गरीब महिला के घर में गलत बिल आता है, उसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं दे पाती, झूठा बिल आता है और उसे मध्य प्रदेश की सरकार अंदर कर देती है, और जो लोग 35,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए लेके भागते हैं, कोई लंदन में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। आम पुलिस वाला जो यहां खड़े हैं, अगर ये किसी चोर को भगा देता है तो ऐसा इसको आप मार के अंदर करते हो, जेल में करते हो, मगर फाइनेंस मिनिस्टर अगर चोर को भगा देता है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ₹400 करोड़ क्षिप्रा नदी को साफ करने में लगा दिए, ₹400 करोड़ हो गई साफ। क्या है ये, दिखाओ भैया, दिखाओ जरा, ये देखो भैया, साफ पानी मध्य प्रदेश का, ये देखो, 400 करोड़ रुपए क्षिप्रा नदी का साफ पानी,
भैया ये पानी पिला दिया मंत्री को, बेहोश हो जाएगा वो। थैंक यू भैया। नदी से पानी चुरा लिया, महिला से बिजली का पैसा चुरा लिया। महाकुंभ मेले को भी नहीं छोड़ा। दस गुना ज्यादा पैसा रेट इन्फ्लेट करके महाकुंभ का पैसा उठा के ले गए। व्यापम स्कैम में 50 लोगों की हत्या हुई। शिक्षा का पूरा ढांचा खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश के युवा को रोजगार नहीं देते हैं। पकौड़े तलोगे तब भी बीजेपी आपसे पैसा चोरी कर लेगा, तेल का भी पैसा ले जाएगा, नोटबंदी से पैसा ले जाएगा और पकौड़े का भी एक पीस उठा के ले जाएंगे। ये है इनकी सच्चाई। धर्म की बात करते हैं मगर इनका धर्म भ्रष्टाचार है हर लेवल पे। उधर नरेंद्र मोदी, उनके राफेल पे आऊंगा, मैं आऊंगा आऊंगा, सीबीआई पे भी आऊंगा। मुझे किसी ने बताया कि कुंभ मेले में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, महाकुंभ में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई कैसे इंक्वायरी करेगा? सीबीआई डायरेक्टर को निकाल दिया 2 बजे रात को। अभी आएंगे, अभी चौकीदार की बात करेंगे तो ऊपर चौकीदार राफेल, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में, उसके नीचे अरुण जेटली बेटी मेहुल चौकसी से पैसा लेती है, उसके नीचे शिवराज चौहान जी, व्यापम घोटाला, पैनामा पेपर्स, ई टेंडरिंग घोटाला, उसके नीचे आएंगे तो लोकल लेवल पे एमएलए भ्रष्ट, अधिकारी भ्रष्ट। मध्य प्रदेश की जनता को कुछ भी करवाना हो, छोटा से छोटा काम, राशन कार्ड बनवाना हो, बिजली के बिल की बात हो, कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस के लोग आपके जेब में से पैसा निकालेंगे। गब्बर सिंह टैक्स, नोटबंदी, 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया, उसमें अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ऐसे ऐसे नाम भरे हुए हैं। किसान दिन भर हाथ जोड़ के कहता है, मध्य प्रदेश में कहता है, बाकी प्रदेशों में कहता है, मोदी जी आपने चोरों का कर्जा माफ कर दिया, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे दिए,